नमस्कार प्रणाम करतनी भोजपुरी देखे वाला सारा श्रोता लोग, भोजपुरी सुने वाला सारा दर्शक लोग, और स्वागत बा रउआ सबके हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया स्पेशल में। आज के हम अपने खास प्रोग्राम में बिहार से जुड़ल कुछ जानकारी लेके आयल बनी, जौना के बारे में रउआ लोग जानत नहीं लोग, पर उतना विस्तार से नहीं जानत लोग। तो आज हम अपने खास प्रोग्राम में रउआ लोग के बिहार के कुछ खास जगह के बारे में जानकारी देम, बता दें कि आखिर वो कौन कौन जगह बाटे, जौना जगह के बारे में हम रउआ लोग के जानकारी देम। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में रउआ लोग के जानकारी देम, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में जानकारी देम, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी देम। आज के अपना एक खास प्रोग्राम में ये तीन गो जगह के बारे में हम रउआ लोग के जानकारी देम कि आखिर ये सबके स्थापना कब हुई और एमे सबसे महत्वपूर्ण चीज का बाटे। बता दी कि तीनों जगह से परीक्षा में भी क्वेश्चन आवेला, जौन लड़का लोग गलत मार्ग चला रहा, तो हमारा एक खास प्रोग्राम में आज हर एक चीज बताएंगे तीनों जगह से जुड़ल। ओकरा खातिर रउआ लोग डाले के पड़ी एक नज़र हमारे खास खबर के तरफ, कैसे अगर ये सब ये तीनों जगह के बारे में अगर प्रॉपर जानकारी रउआ लोग चाहिए, गहराई तक जानकारी चाहिए, तो ओकरा खातिर तो एक नज़र डाले के पड़ी हमारे खास खबर के तरफ। तो बिना देरी करते हुए भी डाली एक नज़र हमारे खास खबर के तरफ। ऐसे तो बिहार के लोग पिछड़ा वर्ग कहला, लेकिन आज हम अपना में स्पेशल प्रोग्राम में बिहार से जुड़ल कुछ जानकारी देवे वाला बानी, जौना के लेकर के बिहार के लोग भी काफ़ी अपना आप को काफ़ी गर्व महसूस करेला। हालांकि बिहार में भी कुछ ऐसा जगह बाड़ी सन जहाँ पे घूमे खातिर देश विदेश के भी लोग आवेला। तो चलिए आज हम अपना स्पेशल प्रोग्राम में वही जगह के बारे में बात करे वाला बानी। तो बता दें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज बात करे वाला बानी, और एकरा से जुड़ल हर एक जानकारी रउआ लोग के देवे वाला बानी। बता दें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहर सीमा पर स्थित बाटे। बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से लुप्त प्राय प्राणी के आवास के तरह जानल जाला, जैसे कि चीता। बता दें कि अभयारण्य में पूरा तरह से हरियाली से घिरल बाटे और बहुत ही सुंदर दृश्य लागेला। बता दी कि 900 गज में फैलल वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के स्थापना व 1990 में भई रहे। ये पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत के गंडक नदी से घिरल बटे। यहाँ पर बहुत तरह के प्राणी देखे के मिलेला, बहुत तरह के जंगली जानवर भी देखे के मिलेला, जैसे बाघ, स्टॉल्थ बियर, भेड़िया, हिरन, शेर, चीता, अजगर, पिकॉक और भी तमाम तरह के जानवर देखे के मिलेलो। खास करके राइनोसीरोस तथा भारतीय भैंस भी यहाँ देखे के मिलेला। बताते हैं कि कभार चीतवन से चल के वाल्मीकि नगर में आ जाएलन सन ये सारे के सारे जानवर, और इन्हें उद्यान में अपन चीतल, काला हिरन और फिशिंग और तेंदुआ भी देखे के मिलेला। वहीं बात करता नहीं कि आखिर इस जगह पर जाइल कैसे जाइए, तो बता दें कि हवाई जहाज़ के द्वारा भी आदमी जा सकता है और ट्रेन के द्वारा भी जा सकता है और सड़क के द्वारा भी जा सकता। बता दें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के सबसे पहले नज़दीकी एयरपोर्ट पटना बा, जे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से करीब 250 किलोमीटर के दूरी पर स्थित बाटे। अगर ट्रेन के द्वारा बता दें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नरकटियागंज और बागहा बटे। अगर सड़क से जाए के चाहत नहीं तो बता दें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के सड़क द्वारा आसानी से रुआ पहुँच सकता नहीं, लेकिन पटना से 275 किलोमीटर और बेतिया से 80 किलोमीटर और गोरखपुर से 125 किलोमीटर बटे रुआ। ये तीनों स्थान पर जहाँ बानी वहाँ से रुआ बिल्कुल आसानी से जा सकता नहीं। चलिए आज हम बात करते केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में। तो बता दें बिहार के पूर्व चंपारण जिला के अंतर्गत केसरिया नामक स्थान में मौजूद केसरिया स्तूप एगो प्राचीन धरोहर के नाम से जाना जाला और प्राचीन धरोहर भी बाटे। बता दें जो विश्व के सबसे बड़का प्राचीन बौद्ध स्तूप के नाम से प्रसिद्ध बाटे। जानकारी के अनुसार बता दें कि स्तूप के सम्राट अशोक बनवैले रहे, और इतिहास और कला के दिलचस्पी रखे वाला लोग खातिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बाटे, जहाँ भारतीय इतिहास के कई गो अहम पहलू के साथ एकरा के देखा जाला। बता दें कि रिकॉर्ड में दर्ज तारीख के अनुसार ये विशाल स्तूप 3री शताब्दी के संबंध में रखल गई रहे। ये प्राचीन स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1558 में खोजल गई रहे। सर्वेक्षण के पूरा काम पुरातात्विक से
मोहम्मद के अंतर्गत करवाल गई रहे। सर्वेक्षण से पहले यह स्थल प्राचीन शिव मंदिर के मानल जात रहे। खुदाई के दौरान जब यहाँ से प्राचीन काल के कई गो अन्य चीज प्राप्त भइल, तब से एकरा के बुद्ध के मूर्ति और तांबा के वस्तु, इस्लामिक सिक्का आदि यहाँ से प्राप्त हुई। मैं बता दें कि केसरिया के यात्रा के उद्देश्य खातिर एकरा के पूरा कइल जात रहे। बता दें कि एगो इतिहास प्रेमी बा और प्राचीन स्थल के सैर करे खातिर बहुत ही लोग एकरा के पसंद करेला। यहाँ के दृश्य भी बहुत दमदार दृश्य बाटे। यहाँ के दृश्य भी देखे खातिर लोग दूर दूर से आवेला। मैं बात करी बौद्ध धर्म के रुचि के बारे में, तो बता दें कि वहाँ के पर्यटन स्थल और सैर करे खातिर देश तदेश विदेश के भी लोग आवेला। चलिए बात करते हैं अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो वो लोग बता दें कि आज अपना एक खास प्रोग्राम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी बारे में बात करे वाला बानी। बता दें कि बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित बाटे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एकर स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल कैले रहे, जौन विश्वविद्यालय के स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गई। बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान एगो लंबी सूची बाटे, जौन तिब्बत के साथ शिक्षा के केंद्र के प्रारंभ करे खातिर विशेष संबंध रखले रहे। बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्यायन खातिर तिब्बत के विद्वान की खातिर अलग से एगो अतिथिशाला बनावल गई। बता दें विक्रमशिला विश्वविद्यालय विद्वान तिब्बत गई रहलो और जहाँ से वो ग्रंथ के तिब्बत भाषा के अनुवाद कैल, और विद्वान में सबसे अधिक प्रसिद्ध दीपंकर श्री ज्ञान रहें, जौन उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात रहें। वह बात करी विक्रमशिला के पुस्तकालय के बारे में, तो बता दें कि विक्रमशिला के पुस्तकालय बहुत ही समृद्ध रहे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में अध्ययन करे वाला विद्यार्थी के संख्या करीब 6000 रहे। बता दिए कि विश्वविद्यालय में कुलपति 6 गो और भिक्षु के गो मंडल के सहायता के प्रबंध रहे। बता दें कि कुलपति के अधीन पंडित के एगो परिषद प्रवेश लेवे खातिर विद्यार्थी के परीक्षा लिहल जाता है। जैसे कि लोग देख रहे हैं लोग कि आखिर बिहार में जो 3 गो जगह बाटे काफी मशहूर जगह बाटे और यहाँ पे घूमे खातिर देश तदेश विदेश के भी लोग आवेला और हर समय यहाँ लोग के भीड़ उमड़ रहेला और यहाँ के नजारा भी काफी ज्यादा खूबसूरत बाटे। बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार की 3 गो जगह बाड़ी सन, जहाँ पे खास करके बिहार के सरकारी स्कूल के लड़का लोग के टीचर यानी बिहार सरकार घुमाए ले जाले हर साल एक बार अपना स्कूल के बच्चा लोग के भी इस जगह पर घुमाए ले जाले। कैसे वहाँ से बहुत सारा जानकारी लड़का बच्चा सन के मिलेला। और बता दें कि ये जो 3 जगह बाटे बहुत ही महत्वपूर्ण भी जगह बाटे। तो फिलहाल बन रही है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के साथ। कैसे बिहार से जुड़ल हर एक खबर और भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जुड़ल हर एक खबर पल पल के खबर वो लोग देत रहे हमारे चैनल और हम लोग दी इजाजत। कैसे कल फिर हम लेके आए अपना स्पेशल प्रोग्राम है बिहार से कुछ, बिहार के मिट्टी से कुछ स्पेशल एक खबर। नमस्कार।